इस तरह की सब्जियां हम अक्सर नहीं बना पाते क्योंकि इसे बनाने के लिए थोड़ा समय लगता है, पर अगर यही सब्जियां कम समय में हम बना पाएं तो हम इसे हमेशा बनाना पसंद करेंगे। तो कम समय में कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही बढ़िया सब्जी की रेसिपी लेकर आई हो, तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। ड्रमस्टिक करी बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम ड्रमस्टिक को बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है और साथ ही उसे मैंने छील लिया है और उसे हम एक चम्मच तेल के अंदर अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। और साथ ही मैंने इसमें डाला है नमक, एक चौथाई चम्मच इतना नमक डाला है जिससे ये नमकीन हो जाए, और एक चौथाई चम्मच हमें इसमें हल्दी डालना है जिससे इस पर कलर चढ़ जाए। तो देखिए इसे हम एक से दो बार अच्छे से हिला लेते हैं और साथ ही मैं इसमें आधा ग्लास पानी डालकर ढककर इसे रख रही हूँ जिससे ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, हाफ कुक हो जाना चाहिए, इतना हमें इसका ध्यान रखना है। इस सब्जी को आप इसी तरह से बनाकर देखिए, सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो देखिए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और जो हमने ड्रमस्टिक इसमें डाली थी वो भी अच्छे से कुक हो चुकी है, हाफ कुक हो चुकी है, इसका पानी पूरा सूख जाना चाहिए, इतना हमें इसे कुक करना है। तो देखिए पहले से हमें पानी इसमें कम ही ऐड करना है, आधा ग्लास के करीब पानी ऐड करना है। इस सब्जी को पकने के लिए थोड़ा समय लगता है। तो देखिए हाफ कुक हो चुकी है, तो अब हमें क्या करना है, इसे निकाल लेना है। तो देखिए ड्रमस्टिक को हमने निकाल लिया है और साथ ही कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून इतना तेल ऐड किया है, आधा चम्मच ऐड कर रही हूँ जीरा और 1 तेज पत्ता मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जिससे सब्जी का फ्लेवर अच्छा हो जाता है। और उसी के साथ मैंने 1 बड़ा कटा हुआ प्याज इसमें ऐड किया है, तो प्याज को हमें अच्छे से भून लेना है, हल्का सा गोल्डन कलर आ जाना चाहिए तब तक हमें इसमें भूनना है। और उसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच भरकर अदरक लहसुन, कूटा हुआ अदरक लहसुन ऐड कर रही हूँ, आप अदरक लहसुन की पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। जब प्याज का अच्छे से पूरा पानी सूख जाए और हल्का सा ये ब्राउन तरफ हो जाए उस समय हमें इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करना है। तो देखिए इसे हमें क्या करना है, चला लेना है और जब अदरक लहसुन अच्छे से कुक हो जाए ना, बस आधे मिनट के लिए इसे कुक करना है। और साथ ही इसमें ऐड करना है बेसन, बेसन और ड्रमस्टिक का स्वाद बहुत अच्छा आता है, यानी जो बेसन और ड्रमस्टिक का कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत ही बढ़िया जाता है। तो देखिए 2 चम्मच बड़े भरकर मैंने इसमें बेसन ऐड किया है। इस समय हमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है, गैस की फ्लेम करना है लो, और लो फ्लेम पर बेसन को हमें अच्छे से भून लेना है। बेसन का हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा और इसके अंदर से झाग बनना स्टार्ट हो जाएगा, तब तक हमें बेसन को इसमें भूनना है। बेसन अच्छे से भूनता है तो ही सब्जी में तेल निकल कर आता है, तो ये बात हमें ध्यान रखना है। तो देखिए बेसन में से हल्का सा झाग निकल रहा है, आप देख सकते हैं। तो इस समय हमें इसमें ऐड करना है सूखे मसाले। सूखे मसाले में मैं सबसे पहले ऐड कर रही हूँ तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, उसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर का फ्लेवर फीका रहता है, यानी तीखी नहीं रहती है बिल्कुल भी। और उसी के साथ मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया है, 1 चम्मच ऐड किया है धनिया पाउडर, इसे हम मिक्स कर लेते हैं, बेसिक मसाले हैं। इस समय हमें गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखना है और लो फ्लेम पर हमें मसाले इसमें भूनना है। बेसन डालने के बाद आपको गैस की फ्लेम बिल्कुल लो ही रखना है और उसी पे सभी मसालों को, बेसन को हमें भूनना है। और जब मसाले अच्छे से भून जाए, इसमें से तेल निकलना स्टार्ट हो जाए, उस समय हमें इसमें ऐड करना है कटा हुआ टमाटर। तो 1 बड़ा कटा हुआ टमाटर मैंने इसमें ऐड किया है, अच्छा रेड कलर का हमें टमाटर इसमें ऐड करना है। और उसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ स्वादानुसार इतना नमक। तो मसालों को हम टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, टमाटर अच्छे से गल जाना चाहिए ये हमें ध्यान रखना है। तो देखिए साथ ही साथ मैं इस तरह से इसे प्रेस कर रही हूँ जिससे टमाटर भी अच्छे से ग्रेवी में मिक्स हो जाए, यानी इसकी अच्छे से एक ग्रेवी बन जाए। तो देखिए इस तरह से, और उसी के साथ हमें क्या करना है, जब टमाटर अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए ना उस समय हमें इसमें पानी ऐड कर लेना है जिससे मसाले का टेक्सचर अच्छा हो जाए। तो देखिए मसाला हमारा अच्छे से कुक हो चुका है, इसने तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें पानी ऐड करना है, आधा कप के करीब मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया है और इसे हम मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें हमने बेसन ऐड किया है, तो बेसन में हम जब पानी ऐड करते हैं तब मसाले का टेक्स्चर और भी अच्छा हो जाता है, आप देख सकते हो कितना बढ़िया मसाला बनकर रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ड्रमस्टिक।
और ड्रमस्टिक के साथ ही हम इसमें एक कप पानी और ऐड करेंगे। और अगर आपको ग्रेवी वाली सब्जी बनाना है तो आप इसमें ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं। इस सब्जी में मैं पानी थोड़ा कम रखूंगी, इसलिए मैं इसमें पानी थोड़ा कम ऐड कर रही हूँ। साथ ही कटा हुआ धनिया ऐड किया है, एक चम्मच के करीब मैंने इसमें ऐड किया है गरम मसाला। तो अब हमें क्या करना है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और साथ ही इसे ढक कर रख देना है 5 से 6 मिनट के लिए। बीच में मैंने एक बार इसे चला लिया था, तो देखिए अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 चम्मच इतनी कसूरी मेथी। 1/4 चम्मच ही हमें इसमें कसूरी मेथी ऐड करना है, उससे ज़्यादा नहीं ऐड करना है। हल्का सा इसे फ्लेवर आ जाना चाहिए कसूरी मेथी का। तो देखिए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, सब्जी बनकर रेडी है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सब्जी बनकर रेडी है। और इस सब्जी को बनाने के लिए हमने कोई भी मसाला नहीं पिसा है। तो झटपट बनकर रेडी है ड्रम स्टिक की सब्जी। आप देख सकते हैं इसका लुक कितना बढ़िया है, इसका स्वाद भी बहुत ही अच्छा आता है। सब्जी को हम चेक करके देख लेते हैं। देखिए इस तरह से सब्जी कुक हो जाना चाहिए, देखिए इस तरह से। ज़्यादा मैश हमें नहीं करना है, अगर ज़्यादा मैश हो जाती है सब्जी तो खाने में बढ़िया नहीं लगेगी। इसी तरह से ये कुक हो जाना चाहिए, ओवर कुक हमें नहीं करना है। इस सब्जी में हम दही भी ऐड कर सकते हैं। टमाटर डालने से पहले हमें इसमें 2 बड़े चम्मच दही ऐड कर सकते हैं। तो चाहो तो बिना दही के बनाइए या दही के भी हम इस सब्जी को बना सकते हैं, पर बेसन और इस सब्जी का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया लगता है और साथ ही झटपट बनकर सब्जी रेडी हो जाती है। तो अगर आपको मेरी सब्जी पसंद आई है तो रेड बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करते हो तो सभी बना पाएंगे। तो इसी तरह से हम मिलेंगे और भी नई और आसान रेसिपी के साथ। थैंक यू।